Welcome to Study Spring और ये अपना 63rd वीडियो है Polity 1000 MCQs के लिए, जिसमें आज हम लोग Polity के सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड बेसिक MCQs को कवर करेंगे। बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे। और आप मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs के सीरीज को भी डिस्क्रिप्शन से जाके विजिट कर सकते हैं। चलते अपने MCQs की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश की नियुक्ति के समय वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्याग दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आर्टिकल 124 को देखे होइएगा। आर्टिकल 124 के थ्रू ये केवल चीज मेंशन किया गया हुआ है कि राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, ठीक है, और वो जिससे चाहेंगे, जिस उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से चाहेंगे वो सजेशन ले सकते हैं, लेकिन वो किसी के ऊपर बाध्य नहीं होता है। अदरवाइज अगर वो सारे क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो फिर उनकी नियुक्ति हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि वरिष्ठता के सिद्धांत को केवल और केवल ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया हुआ है, इसको एक प्रथा बना लिया गया है। लेकिन जनरली ऐसा ही होता चला आ रहा है कि जो सबसे वरिष्ठ होंगे सारे उच्च न्यायालय में, उन्हीं को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। तो ये जनरल वे में चलते आ रहे थे, लेकिन 1973 में क्या हुआ कि जे एस सेलेट, के एस हेंगड़े और ए एन ग्रोवर, ये तीनों की सदस्यता, ये तीनों की जो है वो वरिष्ठता के सिद्धांत को क्या हुआ कि त्याग दिया गया और उस पर फोकस नहीं करके ये आपका ए एन रे, ठीक है, इनकी नियुक्ति कर दी गई थी मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो केवल इस वक्त ही क्या हुआ था कि वरिष्ठता के सिद्धांत को फॉलो नहीं किया गया, अदरवाइज अभी तक जो है वो वरिष्ठता के सिद्धांत को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने कार्यकारी राष्ट्रपति के पद को संभाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब प्रेसिडेंट साहब अगर होंगे हमारे और प्रेसिडेंट साहब की मृत्यु हो जाएगी तो उस वक्त हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब होंगे वो उनके पोस्ट को संभालेंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा कभी सिचुएशन पैदा होता है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब है उनकी भी मृत्यु हो जाए और वाइस प्रेसिडेंट साहब भी नहीं रहे, तो उस समय में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो उस पोस्ट को संभालेंगे, ठीक है। तो एक वक्त ऐसा हुआ था जब एम एच हिदायतुल्ला को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है वो नियुक्त करना पड़ा था, ठीक है, एम एच हिदायतुल्ला को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, और उस वक्त जाकिर हुसैन थे, ठीक है, और उनकी वो जो थे ना वो यहाँ पे राष्ट्रपति थे, और उस वक्त क्या हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट जो थे उस वक्त के वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए चले गए, और यहाँ पे अब वाइस प्रेसिडेंट का भी सीट खाली हो गया हुआ था, तो इसके पोस्ट को जो है वो कंटिन्यू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया गया, और उस वक्त हमारे एम एच हिदायतुल्ला सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, वैसे ही सारे चीज को प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो एमसीक्यूज को हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो वहां इसको क्लियर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, हाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में कैसे विवाद आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, कुछ ऐसे मामले आते हैं जहाँ पे केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही वहां पे जजमेंट कर सकता है, उसके लिए कोई हाई कोर्ट नहीं होता है, और उससे रिलेटेड जो भी विवाद आएंगे वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लॉक होते हैं। जैसे आपके फंडामेंटल राइट का जो वायोलेशन होता है तो आर्टिकल 232 के थ्रू आप डायरेक्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सेम उसी तरीके से और आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में लॉक किए जाते हैं, और उस टाइप के मामले यहाँ पे आपको मेंशन किया गया हुआ है। तो आपके पास ऑप्शन है कि भारत सरकार और एक से अधिक राज्य के क्षेत्रों में विवाद अगर उत्पन्न होगा तो, या फिर भारत सरकार एक राज्य या कई राज्यों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है, या फिर दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है, या फिर संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार से संबंध में। ये सारे जो मैटर होते हैं ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है हमारे सुप्रीम कोर्ट का। तो जैसे ही ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये सारा चीज मेंशन किया गया हुआ है आर्टिकल 131 में। तो आर्टिकल 131 में मेंशन किया गया हुआ है, इन सारे से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है इसके लिए। और ये जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, और ये मेंशन किया गया हुआ आर्टिकल 131 में, 131 में।
एट प्रेजेंट पे भारत सरकार और एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद हुआ था सीएए को लेकर के, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ था। तो आर्टिकल 131 के थ्रू जो भी राज्य थे जिन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को जो है वो अपने राज्य में लागू करना उचित नहीं समझा था, वो आर्टिकल 131 के थ्रू डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए थे। या फिर जब भी भारत सरकार या दो से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होगा तो वो डायरेक्ट राज्य जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, या फिर जब दो ही राज्य में विवाद उत्पन्न होगा तो वो भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है फिर भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या सैनिक न्यायालयों के विरुद्ध न्यायालय में अपील की जा सकती है? इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा, नहीं, क्योंकि सैनिक न्यायालय जो होते हैं जहाँ पे आपको कोर्ट मार्शल होता है उसके अलग रूल होते हैं, वो सैनिक न्यायालय होते हैं और वहां पर जो डिसीजन दिया जाता है वो आप उसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, आप उसके लिए प्रेसिडेंट साहब के पास जा सकते हैं लेकिन न्यायालय नहीं जा सकते हैं। राइट आंसर इसका ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर अपील की जा सकती है? तो इसका जो राइट, इस सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि फौजदारी और दीवानी मामले होते क्या है। तो फौजदारी जो मामला होता है वो मर्डर इस टाइप से रिलेटेड जो चीज होते हैं वो फौजदारी में आते हैं, और दीवानी मामले जो होते हैं वो आपके जमीन वमीन से रिलेटेड जो भी मामले आते हैं वो सारे दीवानी मामले में आते हैं। वैसे इसका एरिया जो है वो काफी लंबा है, बहुत चौड़ा है इसका एरिया, लंबा चौड़ा है, लेकिन आपको जनरली ऐसे समझने के लिए इसको आप समझ सकते हैं, फौजदारी और दीवानी को ऐसे आप क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर फौजदारी कोई मामला होगा तो आप डायरेक्ट जो है न्यायालय के, उच्च न्यायालय के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट कैसे जा सकते हैं? तो क्या वो आजीवन कारावास होगा तब जा सकते हैं, मृत्यु दंड होगा तब जा सकते हैं, या जब उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र दे दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय का है तब जा सकते हैं, इसमें से कोई नहीं या सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका लास्ट हो जाएगा, सभी, क्योंकि ये जो भी मामले आपके आते हैं, ये जो भी मामले आपके हैं, अगर आपको आजीवन कारावास हो जाता है फौजदारी मामले में तो भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अगर आपको मृत्यु दंड हो गया है फिर भी आप जा सकते हैं, और अगर हाईकोर्ट ये प्रमाण पत्र दे दे कि ये मामला जो है हाईकोर्ट के अंदर का नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका अंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या राष्ट्रपति सार्वजनिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक टर्म क्या होता है कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब सुप्रीम कोर्ट से जाके परामर्श ले सकते हैं, ठीक है, परामर्श तो वो ले सकते हैं, लेकिन ना सुप्रीम कोर्ट बाध्य है उनको परामर्श देने के लिए और ना ही हमारे प्रेसिडेंट साहब बाध्य है सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को मानने के लिए, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और इसमें राम मंदिर के मामले में ये हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब ने सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन मांगा था, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुप्रीम कोर्ट ने से परामर्श मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना परामर्श देना उचित नहीं समझा था। तो कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति के परामर्श, राष्ट्रपति अगर परामर्श मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट दे ही दे परामर्श, या फिर सुप्रीम कोर्ट अगर उस पर परामर्श दे तो राष्ट्रपति उसको मान ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है? इसका राइट आंसर मैंने पहले ही बताया है, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में क्या कम है, ज्यादा है, समान है या अस्पष्ट नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कम है, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है, जैसे सपोज दैट राज्य कोई रिजोल्यूशन पास करता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के इक्वलिटी में है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का रूल जो है वो उससे वायोलेट होता है नहीं, अगर ऐसा कोई रूल आता है तो यहाँ पे कभी कभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का पावर होता है कि वो उसको फाइंड आउट करे कि ये किसी फंडामेंटल राइट का वायोलेशन तो नहीं करता है या फिर अदर, तो फिर उसको दोबारा सेंड करती है या फिर उसको चेंज करने के लिए बोला जाता है, लेकिन अमेरिका में इस टाइप का नहीं होता है, वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए जाते हैं इसके ऊपर। तो इस मामले में जो है न्यायिक पुनरावलोकन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति अमेरिका के जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में वकालत कर सकता है? इसका राइट आंसर ख नहीं होगा, क्योंकि ये जो है कंपल्सन होता है कि जैसे ही आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और रिटायर होते हैं तो आप कहीं भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बहुत ऊंचे पोस्ट पे होते हैं, आप नीचे आकर के फिर वकालत नहीं कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ख हो गया। फ्रेंड्स, ये था आज के वीडियो के लिए, हम लोगों ने 63 वीडियो को कंप्लीट कर चुका है, 630 क्वेश्चन एमसीक्यूज को हम लोगों ने पॉलिटी का सॉल्व कर लिया है, हम लोग यहाँ पे 100 जो है वो लेसन कंप्लीट करेंगे, इसके बाद बाकी जो हम लोगों के चैप्टर आ रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के या फिर अदर, वो सारे आते रहेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, लेकिन आप
अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।